दोस्तों ये है आज हमारी एक नई डिक्की एंड आज थोड़ा सैड डे भी है क्योंकि आज हम फाइनली अपनी जांस्कार पे नहीं हम जा रहे हैं ना न्यू व्हीकल विच इज़ द रूबिकॉन जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा वी गॉट हर ऑल मॉडल्ड एंड रेडी एंड टुडे वी हैव द बॉय बैक विद अस मेरा लड़का माय टीम हेलो जी हेलो हेलो कौन है ये क्या है ये करता क्या है क्यों है यहाँ पे अगर आप जानते हो तो वेरी गुड नहीं जानते हो तो वी विल लेट यू नो ऑल ऑफ दैट इन द डैश कैम ठीक है बट फॉर नाउ इट्स टाइम टू पैक अप एवरीथिंग ऑल दी स्टफ ये हो गया कि सामान पड़ा है इन टू आर रूबिकॉन एंड गेट रेडी टू हिट द रोड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फटाफट रोड हिट करें बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7 और आज है हमारी जर्नी बहुत लंबी क्योंकि आज हम जा रहे हैं फ्रॉम नई दिल्ली अब तो गुड़गांव में है स्ट्रेट टू स्पिति नहीं विंटर स्पिति द परफेक्ट प्ले ग्राउंड हमारी रूबिकॉन की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए आई थिंक हर ऑफ रोडर का सपना होता है टू फर्स्ट गेट द बीस्ट एंड देन टेस्ट द बीस्ट मैं इंतजार नहीं कर सकता इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आज हम करेंगे ड्राइव फ्रॉम न्यू दिल्ली टू काजा स्पिति कवरिंग अराउंड 800 किलोमीटर 2 दिनों में और इस सफर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स क्लाइमेट वॉरियर आकाश रानी सन जिनसे आप आगे मिलेंगे बट फॉर नाउ लेट्स गेट इनटू पैकिंग लेट्स गेट गोइंग गो दस्तूर तुम भी ट्रैवल डॉग होते तो हम भी ऐसे जाते ना तो दोस्तों ये देखो अभी बीरो से खत्म हो गए पर ये मेरा सामान एक बैग है मेरा सामान ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे पास इस पर थोड़ा कैंपिंग और रेस्क्यू गियर भी होता है जो हम अलग से रखते हैं वो जो टेक्निकली ऊपर शिफ्ट करना चाहिए पर बहुत सारे कैंपिंग गियर ऊपर आ गए हैं और ऊपर अभी भी खाली पड़ा है तो दिस इज अ गुड थिंग एंड अभी भी देखो ये आसमान में नहीं पहुँचा है तो हम इसको आसमान की ऊंचाई तक पहुँचा सकते हैं अभी जांस्कार को लोड करके सॉरी रूबिकॉन को लोड करके और मॉम डैड नवाब और फैमिली को बाय करने के बाद इस बार आऊंगा रूबिकॉन को नाम देकर आऊंगा चल धर्मो अपनी मंजिल अपने को बुला रही है हमने करी अपनी जर्नी स्टार्ट तो दोस्तों गुड़गांव से हम निकल चुके हैं और बिफोर वी गेट इनटू द प्लान ऑफ एक्शन धर्मेश टाटा वीडियो एडिटर वंडर विद स्काई कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू दोस्त एंड वी आर हैविंग फर्स्ट डे इन अ रूबिकॉन यस एंड आई एम ग्लैड कि तुम भी इसके हिस्सा हो आप सबका स्वागत है एक नए ट्रैवल ब्लॉग में एंड जैसे कि हमने हमारा प्लान ऑफ एक्शन बनाया इस साल की हम करेंगे वी गोना एक्सप्लोर इंडिया जिस सीरीज का अभी तक नाम नहीं है भाई I swear भाई मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था पहले बट दिस टाइम इन इंडिया टूर भाई विल किल इट विल किल इट किल इट विल किल इट फॉर श्योर भाई आई लाइक द एनर्जी यही एनर्जी चाहिए अगर आपको वंडर विद स्काई टीम में आ रहा है मुझसे ज्यादा बकचोद आदमी चाहिए होता है टू मेक श्योर यू कैन कैच विद माय एनर्जी बट टुडे वी आर हेडिंग आउट टू वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल बहुत आप लोग सब लोग मुझे बोलते हैं आकाश थोड़ा ज्यादा हिंदी बोले बोलो अब तो ज्यादा हिंदी वार्ता सारा वार्तालाप हिंदी में होगी आप में से बहुत लोग ये रूट मेक करना चाहते थे मैं बहुत बार जा चुका हूँ टू दिस प्लेस दिस प्लेस इज कॉल्ड द स्पिति वैली और हम जा रहे हैं टू डू द विंटर स्पिति एक्सप्रेशन नाउ इन दिस व्लॉग वी आर टॉक अबाउट समथिंग वेरी पेनफुल ऑल्सो ठीक है एंड दैट पेनफुल पार्ट इज द क्लाइमेट चेंज यू सीन वॉट इज हैपन वीडियोज राइट हम लोग जनवरी फरवरी में बर्फ क्लियर हो रहे हैं ठीक है स्नोबोर्डर बंदा
स्क्रैच खा रहा है पत्थरों से. आई स्वेयर. ठीक है, तो दुनिया इज गोइंग ऑन अ रॉन्ग साइड एंड टू डिस्कस दिस टुडे भी हमारे को एक बंदा ज्वाइन करने वाला है हु इज अ क्लाइमेट वॉरियर. कौन है, कब है, शिमला में चले व्हेन वी पिक हिम अप. जैसे कि मैंने आपको बताया आज हम अपनी ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं गुड़गांव से. गुड़गांव से हम जाएंगे स्ट्रेट टू शिमला जो कि हमें 8 घंटे की ड्राइव होगी और वहां से पिक करेंगे हम हमारे क्लाइमेट वॉरियर को. और उसके बाद हम जाएंगे शिमला से स्ट्रेट काजा वाया किन्नौर हाईवे. आज हम शिमला का रूट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग विंटर्स मनाली से स्पीति की सड़क बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल ऑन कुंजुम पास. तो ये है प्लान ऑफ एक्शन इस रोड ट्रिप का. अब वापस डैश कैब में चलते हैं, मुझे आपको कुछ बताना है. दोस्तों वी आर ओपनिंग एप्लीकेशंस फॉर न्यू पीपल. ठीक है, एप्लीकेशन किसके लिए है, क्या है, कौन आना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लो. ठीक है, एप्लीकेशन तो ओपन हो चुकी है टू जॉइन अस ऑन आवर बैक सीट. ठीक है, नाउ वी आर नेक्स्ट वंडरवुड्स का टीम मेंबर और हमें आपकी जरूरत है. आप कौन हो, क्या हो, क्या आपका जॉब रोल है, वी विल टेल यू मोर इवेंचुअली इन द व्लॉग वंस वी रीच देयर. But for now, if you're really excited, नीचे के description में link देख लो. काफी interesting होने वाला है. Now things are getting more serious. Yeah, now they're getting. Are they always serious? Now they're getting more fun. More fun. ठीक है. Rubicon को कुछ 1-2 घंटे खींचने के बाद मैंने और धर्मू ने कुछ weird सी vibrations feel की. Problem ये हुई है कि गाड़ी के हवा नहीं चाहिए 37 PS है, 37. Highway पे drive कर रहे हैं इसलिए हमारे धर्म में startup हो. ज़्यादा jerks feel हो रहे थे. तो हमने बोला आपकी jerks को jerk कराए देते हैं. तो ये मैंने नया मिशेलिन का लिया है टायर प्रेशर गेज. ठीक है, आप देख सकते हो इसमें हवा निकालने का सिस्टम भी है और भरने का सिस्टम भी है. तो अभी हमारा जो इंटरनल सिस्टम बता रहा है वो है कि हर टायर में 41 हवा है और इस टायर से ऐसे जाती हवा वो है 37. तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है हवा 39.5 PSI है, 40 हो गया. अब हम निकालेंगे, देर कम हो रही है हवा. When we'll stop, it will tell us the right air. Then we take it out again. और 37 is the right air if you want to do. अब हवा कम हो गई ज़्यादा तो थोड़ी भर भी सकते हैं. हम दबाएंगे इसको, ये रहा इसका बटन ये, और अब हवा भरेंगे हम इसमें 5 PSI. 37 हो गई एग्जैक्ट, परफेक्ट एयर. टायर्स में परफेक्ट एयर प्रेशर करने के बाद जो हमारी रूबिकॉन हमें लेके गई उड़ते उड़ते, ये हम सीधा पहुंचे सोलन में. मैंने एक और फ्लॉ फील किया ऑन द बॉडी ऑफ रूबिकॉन तो हमें पड़ा 14,000 का. क्या हो रहा भाई? तो दोस्तों हुआ क्या, हमने जो भी हमारी कार रूबिकॉन में वॉट कराए थे उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इधर आओ दिखाता हूं. ये जो टायर है ना ये बॉडी से प्रोट्रूडिंग है, तो चूंकि ये नहीं था इसमें से सारी मिट्टी हमारी बॉडी में जा रही थी और वंडरविड्स का एक छुआरा हो गया था. सो व्हाट वी फिगर्ड आउट वाज कि वी नीड दीस टर्न बाइकर्स थे नहीं, तो मैं फटाफट आया एट तपन जीप, ये अपना सोलन में जिनसे मैंने गाड़ी लिया है, इन्होंने मुझे वहाँ पे डिलीवर करी थी मंडी. और आई आस्क्ड देम, लकीली भाई के पास पार्ट आया हुआ था. सो आई गॉट दिस पार्ट इंस्टॉल्ड. आप देख सकते हो देयर इज अ मड फ्लैप हियर एंड ऑल्सो देयर इज अ मड फ्लैप इन द रियर. तो अब लॉन्ग का लश्कारा कम होगा और गाड़ी में कीचड़ कम आएंगे. मेरी प्रॉब्लम ये थी कि इस पे नो we have worked really hard to make this something, let's not dirty it. So now we have this thing on, 2 ghante laga chuke hain and abhi hamara climate warrior sadak pe intezar kar raha hai. To chalo fatafat load karo gaadi mein apne aap ko, risk cap rakho, let's go. Apne aap ko rubicon mein load karne ke baad hum finally pahunche shimla apne climate warrior ko uthane. Kya hal chal mijan, how are you? kaisa hai सर, आपका स्वागत है, वेलकम टू द न्यू चैरियट. अपना छोला कहीं भी इसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर हेलो जी. हेलो, मतलब मैंने आपको कहाँ देखा, मैंने आपको वहाँ देखा कि मैं वहाँ पीछा करते हुए आ रहा हूँ आपका गाड़ी मोड़ के. बहुत सही है दोस्त, ये बड़ी हावी बहुत चाहिए भाइयों के साथ फोटो खिंचवाने और 2-3 होने के बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी फ्रॉम शिमला. सो दोस्तों हमारे जो मैं आपको सुबह से ज्ञान दे रहा हूँ, हमारे एनवायरमेंटल वॉरियर आ चुके हैं. क्या ये वही बंदे हैं जो जिनका परिचय देने की जरूरत नहीं है. इनका नाम है आकाश रानी सर. इनका नाम, इनके नाम में कहानी है. ड्यूरिंग द सीरीज ऑफ दिस व्लॉग्स आपको नाम की कहानी सुनाई जाएगी. पर आकाश वेलकम. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. द न्यू चैरियट, वी डोंट नो नेम येट,
so I don't know what to call her. Yet to be named. But let's try that by the time we reach back. We find a good... So the criteria is not a good name. The criteria is something which kind of makes me... Something which has some emotional value. It's just not about a cool name to have. मतलब अगर इसका नाम देवी भी रखना पड़े तो कोई वो शर्म नहीं है, मगर फाइंडिंग दैट नेम इज अ प्रोसेस आई थिंक. बट अब हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स आज शाम की डेस्टिनेशन. हमने उठा लिया क्लाइमेट वॉरियर को. क्लाइमेट वॉरियर से क्लाइमेट की बातें चलती रहेंगी. कौन है क्लाइमेट वॉरियर? अटैक किया हुआ, जाके देख लो, चेक हिम आउट. इम्पैक्ट इज व्हाट ही डज. An impactive what is that, what he does good. तो हमने decide किया कि आज रात हम कल्पा ही रुकते हैं, क्योंकि the next day हम आराम से स्मृति खा सकते हैं. और कुछ 4 घंटे के बाद हम पहुंचे नारकंडा. अब हम क्रॉस कर रहे हैं नारकंडा और we are almost now 171 kilometers away from our destination tonight, क्योंकि कल्पा. तो हाँ, ये समझ लो कि last day vlog कर रहा हूँ, उसका I'm gonna focus on your driving because अंधेरा हो चुका है. Matter of the fact is that ठंड अब बढ़ रही है, सो हम लोग जैकेट्स मांगे आप देख सकते हो. एंड बाय टाइम वी रीच कल्पा इट विल गो टू क्लोज टू जीरो, सो इट विल बी कोल्ड. ऑल बॉयज ऑल यू ऑल फीलिंग फाइन, गुड, फीलिंग ऑसम, बहुत सही. सो आई थिंक वी ऑल आर सेट, बॉयज आर ऑल सेट. पीछे धनमेश भी बैठा हुआ है, थोड़ा सा इसको हेडेक हो रहा था इनका सा. इट्स जस्ट मोशन सिकनेस हल्की फुल्की. बट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड बिकॉज नाउ वी हैव 170 किलोमीटर्स टू कल्पा. एंड कल सुबह मैं आपको मिलता हूँ इन द ब्यूटिफुल कल्पा. क्यों? बिकॉज अगर आप मुझे ट्रूली फॉलो करते हैं, देन यू डोंट लाइट मार के बोलता हूँ. अगर आप मुझे ट्रूली फॉलो करते हैं, देन यू एग्जैक्टली नो वॉट कल्पा मीन्स टू ऑल ऑफ अस एज ट्रैवलर्स. वेन वेर वी बी स्टेइंग इन कल्पा, क्या व्यू होगा और क्या नज़ारे होंगे. सो लेट्स सी यू गाइस इन द मॉर्निंग, सुबह से नहीं. ऑलराइट. और इस तरह 8 से 10 घंटे ड्राइव करने के बाद हमने किया अपना डे वन एंड एट कल्पा. दोस्तों फाइनली दिन की शुरुआत हो चुकी है, डे नंबर 2. टुडे इज द 12th of March. और आज एक बहुत अच्छी कहानी है कि 12 मार्च 2021 ही वो दिन था जब मैं पहली बार स्पीति वैली आया. और आज 12 मार्च फिर है, और पहली बार रोहित भाई से मिला ग्रीस मोटर क्लब गया, जहाँ हम जाने वाले हैं. और 11 तारीख को द फर्स्ट टाइम आई केम टू कल्पा. एंड आज की सुबह ऑन 12th मार्च इज द फर्स्ट टाइम I saw the beautiful view of the Kinna Kailash. Welcome back to the most scenic place. Aaj hum pahunch gaye hain to our home in Kalpa. Iska naam hai Hotel Kalpa Mansion. To hum yahan pe ruke hain. Raat ko pahunche almost 12:30 baje. To kal humne kiya a great drive of 600 kilometers and aaj hame jana hai some 300 kilometers more and we are all set to hit the roads. अगेन बट फटाफट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट एंड देन आर नेक्स्ट स्टॉप इज गोइंग टू बी काजा. रास्ते में हम बहुत सारी अच्छी जगह फिर से क्रॉस करेंगे. देखो विंटर स्पीति एक्सपेडिशन का ये मतलब नहीं है इस बार कि हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी, बिकॉज आज वी गोना टॉक अबाउट क्यों नहीं होगी एंड द बिगर प्रॉब्लम ऑफ द इशू. सो वी ट्राई टू एड्रेस इट एंड सी कि हम लोग एज द यूथ ऑफ द कंट्री हम क्या कर सकते हैं टू नॉट एड मोर टू वॉट इज ऑलरेडी हैपनिंग. तो फटाफट ब्रेकफास्ट खाते हैं एंड देन लेट्स गेट इन टू ड्राइविंग आवर ब्यूटी. ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने दोबारा गाड़ी लोड की और निकल पड़े टूवर्ड्स काजा. और काजा से निकलते ही हमें कुछ और शुभचिंतक मिले और फिर सिलसिला शुरू हुआ कुछ फोटोज और गुफ्तगू का. तो दोस्तों आ गए हैं फॉर द सेकंड रिफिल और वी आर नाउ 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम काजा. और अभी कल रात को कल्पा में रुकने के बाद अगला पेट्रोल पंप हमें मिलेगा स्ट्रेट एट काजा इटसेल्फ. तो आई वाज लाइक यहाँ से फुल टैंक करा लेते हैं. तो दोस्त फुल टैंक कर दीजिए. एंड गाड़ी ने अभी तक आपको कल भी बताया था एवरेज बहुत सही दे रही है. ऑन हाईवे वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 9-9.5. और पहाड़ों में अभी तक पहाड़ तो नहीं आए, टेक्निकली सीधी रोड ही, हल्के क्लाइम्स हैं, 7.5 तक गई है. सो वील हैव बेटर आइडिया. सो वी नाउ स्टार्टेड फीलिंग फ्यूल. यहाँ पे है 98.98. रिफ्यूलिंग के बाद हमने सफर जारी रखा और फिर हमें दिखी हिमाचल की खूबसूरती.
इन चेरी ब्लॉसम्स की खूबसूरती को सोखने के बाद हम एक बार फिर चल पड़े अपनी मंजिल यानी काजा की ओर। 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंचे नाको, और अगर आप मेरे सच्चे चाहने वाले हो तो आपको पता है कि जब भी हम नाको आते हैं कांगड़ी ढाबा, और धर्मेश ने इतने व्लॉग्स एडिट करे हैं जिंदगी में कि एक बार कांगड़ी ढाबा में खाना तो बनता है धर्मेश। बिल्कुल भाई, बिल्कुल फॉर द सेकंड टाइम बोल, मैं बस ड्रूल करता रहता हूँ वीडियोस देख के, आज खिला भी दो। ये देखो इनको, ये होते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, बट ये जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, छोटी सी बॉडी बड़ा सा लेंस, महंगा खर्चा बहुत है भाई, बहुत खर्चा है। वाह, हम पहले ऑर्डर दे गए थे शॉट से पहले का, ठीक है रमेश रेडी, चलो देखते हैं तुम्हारा कितना इंफॉर्मेशन है तुम्हें ब्लॉग से, बताओ क्या 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 है। दिस इज राजमा, हाँ, कड़ी, हाँ, दिस इज आलू, हाँ, चटनी, हाँ, चावल एंड सम सैलेड, बेसिक कांगड़ी धाम, हाँ, बेसिक कांगड़ी धाम, मतलब दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट, हाँ हाँ, क्या दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, इंडीड दिस इज द बेस्ट। कांगड़ी धाम खाने के बाद हम निकले नाको से, और अब रास्ता कुछ 4 घंटे का बचा है, और फाइनली हम पहुंचे टू आर होम इन स्पिति, ग्रीस मोटोक्लब। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं टू ग्रीस मोटो क्लब, एंड राइट नाउ वी आर इन अ डॉर्मेट्री, एंड हम डॉर्म इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिलता है तंदूर, धर्मेश को हमने दे दिया है। धर्मेश का फर्स्ट टाइम हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, दिल्ली से ज्यादा गर्म हो रहा है। वाह, ठीक है, एंड अगेन ये बैठे हैं यहाँ पे रानी सन, और ये हमारा सेटअप है देख रहे हो, एंड ही पहले ही लंगारा फैला दिया, मुझे लग रहा है यहाँ से जाऊँगा, लेट अस बी लाइक दैट ओनली, ठीक है। बट चलो, वी फाइनली मेड इट टू स्पिति, आई होप कि आज आपको ये जर्नी का व्लॉग पसंद आया होगा हमारी रूबीकॉन पे। आई थिंक दैट वाज एन अमेजिंग फैंटास्टिक ड्राइव, अभी हम पहुंच गए, बाहर टेम्परेचर हो रहा है -10 से -12 के आसपास, अंदर काफ़ी गर्म किया रखा है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू तंदूर। दिस इज वेयर दिस व्लॉग कम्स टू एन एंड, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं फोड़ा है तो यार तोड़ो फोड़ो मरोड़ो, बिकॉज ऑब्वियस रीजन, मैं तुम्हें बार बार क्या क्या ही बोलूँ। अगली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देन वॉच दिस वीडियो विद अस, बिकॉज वी गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्पिति इन विंटर्स, एंड वी आर रियली होपिंग वी हम आपको कल सुबह यहाँ पे बर्फ़ के नज़ारे दिखाए, जो तो दिखे नहीं है, सुना है सामने वाले पहाड़ में बर्फ ही बर्फ है। थैंक यू सो मच ये सारा प्यार देने के लिए, जिससे मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि आप हो तो हम हैं और हमें तो जहाँ, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, फॉर नाउ जय हिंद। साला बोल रहे आगे आगे पीछे पीछे। तो दोस्तों आपको ये मैं बताया था स्टोरीज पे, मेरा थोड़ा ड्रोन धोखेबाज है तो वो उड़ नहीं रहा आजकल, तो हमने बोला भाई को उड़ाते हैं, भाई को यही नहीं पता है कि इनका 120 मीटर का फ्लाइंग लिमिट है। लेजिट पूरा ड्रोन लाल हो गया है, नो बैटरी आ रहा है।